बिग बॉस ये कैसे टास्क दे रहे हो जिसमें लोग अपनी भड़ास निकाल दे रहे हैं भाई। आज से पहले मैंने बिग बॉस कैसे टास्क देखे नहीं, 40 सेकंड किसको बोलते हैं भाई साहब। चुंबन रुका नहीं लोगों का, और जिस इंटेंसिटी के साथ हो रहा था, जिस अंतर आत्मा के साथ हो रहा था, मेरे को ये भी नहीं लग रहा था कि ये छूटेंगे, इनको छुड़वाना पड़ेगा भाई। दो दो लोग लगेंगे दोनों को, और भाई क्या किस था यार भाई। 3 डेट का डायलॉग याद आ गया एक बारी में। बाकी मैं आपको बता देता हूँ ये टास्क हुआ कैसे। टीम बनी दो दो, साइरस पूजा भट्ट की टीम, और पूजा भट्ट को लगा कि ओहो ये तो किस करेंगे नहीं, कुछ ऐसा डेर देते हैं कि इनके गुर्दे ही फट जाएं। लेकिन भाई साहब इसके चक्कर में पूजा भट्ट की ही फाड़ दी इन लोगों ने। जद हदीद, ये पहले आदमी भरा पड़ा था, कितने दिनों से मनीषा रानी से मांग रहा था कि एक दे दे, एक दे दे, एक दे दे। लेकिन भाई वो भी पक्की ऐसे बोला, दुबई लेके चलेगा ना तो दूंगी फ्रेंच किस। लेकिन भाई साहब वो बोलते हैं ना कि जब तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें मिल जाती है। इस आदमी ने मनीषा रानी को शिद्दत से नहीं चाहा, इस आदमी ने शिद्दत से चाहा फ्रेंच किसको, वो मिल गया आकांक्षा पूरी से। भाई क्या होट लड़की है यार ये भाई, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा लड़की को, लगा कि टास्क हार जाएंगे, बिग बॉस के घर से बाहर जाना पड़ेगा। भाई साहब जो इसने किसके, और भाई साहब मैं कह रहा हूँ इनकॉग्निटो मोड में देखना पड़ेगा क्या बिग बॉस, क्या क्या दिखा रहे हो तुम ये सब कुछ, इतना वाइल्ड इतना हॉट बिग बॉस कब से हो गया। ये तो अच्छा है टीवी पे नहीं आ रहा, टीवी पे आना होता तो कलेश हो जाते घर में। और भाई मेरे को लग नहीं रहा था ये लोग किस करेंगे। अगर तुम लोग बिग बॉस फॉलो करते हो तो तुम बताओ क्या तुम्हें लग रहा था कि ये लोग 40 सेकंड, 1, 2, 5, 10 सेकंड नहीं, 40 सेकंड तक, और भाई एक बार भी ना सांसें थमी नहीं। भाई सिंगल होने का इससे ज़्यादा दुख कभी नहीं हुआ जिंदगी में जो अभी हुआ है। बाकी आप मुझे कॉमेंट करके बताओ, क्या ही कमेंट करके बताओ यार जिंदगी झंडो रख के। सबसे पहले तो इनको देखो किस करते हुए, फिर इनकी वीडियो बनाओ, फिर एडिट करो, यहाँ अकाल पड़ा है। बाय, बताओ अपनी राय।